जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, तो सभी लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ये क्लास आपके लिए रोज सुबह 9 बजे लाई जाती है हिंदी साहित्य की, जहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाए जाते हैं। और हिंदी साहित्य में आपके लिए यहाँ पर 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय भी लाया गया है आपके लिए एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से। 215 टेस्ट होंगे, अलग अलग कवि लेखकों का जीवन परिचय आपके लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज में मिलेगा। 299 रुपए की टेस्ट सीरीज है, 4700 इसमें प्रश्न होंगे, ये नंबर दिया गया, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाली ऐप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लें और जो भी परचेस करना चाहते हैं तो वह परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, देखिए यहाँ पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस उपन्यास में ब्रज के नटों का जीवन चित्रित है। वह उपन्यास आपके लिए बताना है, कौन सा वह उपन्यास है। लवली जी, तनु जी, समन जी, प्रीति जी, अस्कमान जी, क्या होगा सही राइट आंसर बताइए। राह न रुकी, धरती मेरा घर, कब तक पुकारूं, या फिर अंधेरे के जुगनू। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि किस उपन्यास में ब्रज के नटों का जीवन चित्रित है। 101 में आप सभी का सही राइट आंसर है, कब तक पुकारूं। कब तक पुकारूं विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, 102 का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भीष्म साहिनी को तमस उपन्यास के लिए वर्ष 1975 ईस्वी के किस पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। दीपक जी बताइए, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ या फिर सरस्वती या फिर साहित्य अकादमी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है। और मानसी जी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा, भीष्म साहिनी को तमस उपन्यास के लिए वर्ष 1975 ईस्वी के किस सम्मान या पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप सभी का 2 में सही राइट आंसर है, साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था तमस उपन्यास के लिए किसको, भीष्म साहिनी को, कब दिया गया था, 1975। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया, भीष्म साहिनी ने अपने किस उपन्यास में वर्ष 1947 ईस्वी के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगों की 5 दिनों की कहानी प्रस्तुत की है। वह उपन्यास आपके लिए बताना है, वह कौन सा उपन्यास है बताइए। चयन कीजिएगा अमित जी, तमस है, झरोके है, कड़िया है या फिर मैया दास की माली है। चार विकल्प दिए गए हैं, भीष्म साहिनी का वह उपन्यास बताना है। तो आप सभी का सही राइट आंसर है 3 में तमस। तमस आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। इसमें 1947 के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिनों की कहानी इसमें प्रस्तुत की गई है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि विपरीत संस्कारों वाली मध्यवर्गीय पति पत्नी की जीवन गाथा चित्रित करने वाला उपन्यास कौन सा है। वह उपन्यास आपके लिए चयन करना है बताइए, कौन सा है। बसंती है, कड़िया है, झरोखे है, नीलू, नीलिमा, नीलोफर है। चयन कीजिएगा, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विपरीत संस्कारों वाले मध्यवर्गीय पति पत्नी की जीवन गाथा चित्र करने वाला उपन्यास की बात करें तो कलियां आप सभी का यहां पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सुनीत जी भी, जिन्होंने भी चयन किया है, उनका यहां पर सही राइट आंसर होगा। कलियां आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि भीष्म साहिनी ने किस उपन्यास के माध्यम से 3 पीढ़ियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के किर्मिक विकास का प्रमाणिक इतिहास प्रस्तुत किया है। कुंतो, झरोखे, मयादास की माड़ी या फिर तमस। 105 में आपके लिए सही राइट आंसर चयन करना है। अरुण जी क्या होगा सही राइट आंसर बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर 105 में सही राइट आंसर होगा, मयादास की माड़ी, यानी कि विकल्प नंबर जो सी है भाई आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आप सही राइट आंसर चयन किया, विकल्प नंबर सी आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है
किस उपन्यास में विभाजन से पूर्व पाकिस्तान की एक आर्य सामाजिक संस्कारों वाले परिवार की कहानी कही गई है, वह उपन्यास आपके लिए बताना है तमस है या फिर नीम का पेड़ या फिर जिंदगी नामा या फिर कुंतो, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। 106वां क्वेश्चन और सही राइट आंसर होगा 106 में विकल्प नंबर डी राइट आंसर है कुंतो। कुंतो आपका रीमा जी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। कुंतो उपन्यास जो है इसमें विभाजन से पूर्व पंजाब की एक आर्य सामाजिक संस्कारों वाले परिवार की कहानी की गई है कही गई है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 7 पूछा गया है, देखिएगा कि सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी उपन्यास कौन सा है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। कल्पना जी सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी उपन्यास है नीलू नीलिमा नीलू पर तमस मयादास की माड़ी या फिर झरूखे। क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 107 है और 107 में क्या होगा सही राइट आंसर, तो 107 में आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक यानी कि नीलू नीलिमा नीलू पर आप सभी का सही राइट आंसर होगा। नीलू नीलिमा नीलू पर आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिल्कुल सही। और उसी जी अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है यहाँ पर कृष्णा सुबती का कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है, मैं उपन्यास आपके लिए बताने कृष्णा सुबती का हम हस्मत है, जिंदगी नामा है, सूरजमुखी अंधेरे के या फिर मित्रों मर जानी, क्या होगा सही राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 का सही राइट आंसर है कि जिंदगी नामा। जिंदगी नाम कर दी किसके, कृष्ण के, जिंदगी नाम कर दी कृष्ण के, तो जिंदगी नामा हो जाएगा कृष्णा सुबती का उपन्यास। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1980 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जिंदगी नामा के लिए, तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका बी वाला जो है वह सही राइट आंसर होगा। कृष्णा सुबती का उपन्यास जिसमें पंजाब की सांस्कृतिक झांकी और 18वीं 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों का चित्रांकन हुआ है, वह आपके लिए उपन्यास बताने कौन सा है, यारों की यार, डार से बिछड़ी, जिंदगी नामा या फिर दिलो दानिश। संगीता जी राजीव जी क्या होगा सही राइट आंसर, सभी लोग चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 का सही राइट आंसर है आप सभी का बिल्कुल सही विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है मनीष जी वह सही राइट आंसर होगा जिंदगी नामा। जिंदगी नामा कृष्णा सुबती का उपन्यास है, पंजाब की सांस्कृतिक झांकी और 18वीं 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों का इसमें चित्रांकन हुआ है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कृष्णा सुबती की वह उपन्यास की कृति जिसे व्यास सम्मान 2007 प्राप्त हुआ था, बताइए। तो व्यास सम्मान 2007 का जो व्यास सम्मान था वह मिला था किसके लिए, कृष्णा सुबती के लिए। किस उपन्यास कृति के लिए, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, जिंदगी नामा या समय सरगम। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी का सही राइट आंसर है कि विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा समय सरगम। समय सरगम आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है, इसके लिए समय सरगम उपन्यासिक कृति है जिसके लिए व्यास सम्मान दिया गया था 2007 का, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया, साहित्य अकादमी पुरस्कृत 1990 जो 1990 का पुरस्कार है साहित्य अकादमी वह किसे प्राप्त हुआ था, प्रीति जी बताइए। ऐसे प्रसाद सिंह को नीला चांद के लिए, भीष्म साहनी को मर्यादास की माली के लिए, कृष्णा सुबती को सूरजमुखी अंधेरे के लिए या धर्मवीर भारती को सूरज का सातवां घोड़ा के लिए, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे 11 पूछा गया है और 11 में आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 1990 का था ये प्राप्त हुआ था किसे, तो आप सभी का सही राइट आंसर है शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद के लिए। नीला चांद के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, नीला चांद रचना शिव प्रसाद सिंह की है और 1990 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है।
अगला क्वेश्चन देखिए, शिवप्रसाद सैके किस उपन्यास को व्यास सम्मान 1992 प्राप्त हुआ है? 1992 का व्यास सम्मान बताइए, किस कृति के लिए, किस उपन्यास के लिए? गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, या फिर औरत, या फिर बहती गंगा, बताइए, चयन कीजिएगा। नीता जी चार विकल्प आपके दिए गए हैं, पूर्णिमा जी क्या होगा सही राइट आंसर? 12वां क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और जिन्होंने नीला चांद चयन किया है उनका यहाँ पर तनु जी बिल्कुल सही राइट आंसर है। नीला चांद के लिए व्यास सम्मान जो है 1992 का दिया गया था, बिल्कुल सही। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 का दिया गया था नीला चांद के लिए, शिवप्रसाद इसके जो है लेखक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। देखिए 13वां क्वेश्चन है कि किस उपन्यास में 1960 ईस्वी के काशी को उसके पूरे सांस्कृतिक संदर्भ में चित्रित किया गया है, बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर आपसे 13 पूछा गया है। मंजू सिमा, अलग अलग बैतरणी, नीला चांद, या फिर गली आगे मुड़ती है, बताइए, चयन कीजिएगा। चार विकल्प हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा? 13वां क्वेश्चन है, और नीला चांद यहाँ पर आपका सही राइट आंसर होगा। नीला चांद जिन्होंने विकल्प नंबर सी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 14वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। शिवप्रसाद सैन ने अपने किस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण परिवर्तन का संश्लिष्ट चित्रण किया है? वह आपके लिए उपन्यास बताने, वह कौन सा उपन्यास है जिसमें ये चित्रण किया गया है? दिल्ली दूर है, वैश्वनर, या फिर गली आगे मुड़ती है, या अलग अलग बैतरणी? अनिता ठाकुर जी क्या होगा 14 का सही राइट आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शिवप्रसाद सैन ने अपने किस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण परिवर्तन का संश्लिष्ट चित्रण किया है? तो आप सभी का सही आंसर है अलग अलग बैतरणी में, अलग अलग बैतरणी में विकल्प नंबर डी आप सभी का सही आंसर होगा। ये शिवप्रसाद सैन का जी जो है उपन्यास माना जाता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है, कबीलाई जीवन व्यतीत करने वाले नटों के जीवन संघर्ष को उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा है? सैलूस है, नीला चांद है, मंजू सिमा है, या कोहरे में युद्ध? 15 का सही राइट आंसर चयन करना है, क्या होगा सही राइट आंसर? संगीता जी, ओम प्रकाश जी चयन कीजिएगा। तो कबीलाई जीवन व्यतीत करने वाले नटों के जीवन संघर्ष को उद्घाटित करने वाला उपन्यास की बात करें तो वह उपन्यास कौन सा है? 15 में आप सभी का ये राइट आंसर होगा सैलूस। सैलूस नया जी बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है, शिवप्रसाद सैन ने अपनी पुत्री के जीवन की करुण कथा को केंद्रित करके किस उपन्यास की रचना की है? बताइए, गली गली आगे मुड़ती है, मंजू सिमा, अलग अलग बैतरणी, या फिर कोहरे में युद्ध? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, और लवली जी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा 16 में, मंजू सिमा। मंजू सिमा जिन्होंने भी चयन किया विकल्प नंबर बी उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी वाला जो है वह सही राइट आंसर है, मंजू सिमा आप सभी का सही आंसर है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था वह किसे प्राप्त हुआ? गिरिराज किशोर को ढाईघर के लिए, रेणु जी के लिए मेला आंचल को, या फिर रामदास मिश्र को पानी का प्राचीर के लिए, या राही मासूम रजा के लिए नीम का पेड़ के लिए, बताइए। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 1992 ईस्वी का था वह किसे प्राप्त हुआ ये पूछा गया है, चयन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके यहाँ पर। रौली जी बिल्कुल नए क्वेश्चन, ये आप लोगों ने कई बार पढ़ चुके हैं लेकिन आपको याद नहीं है। 17वां क्वेश्चन है, और 17 का आप सभी का सही राइट आंसर है कि गिरिराज किशोर के लिए ढाई घर गिरा, तो गिरिराज किशोर आप सभी का सही आंसर होगा, ढाई घर उपन्यास इनका रचना है जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 दिया गया था, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म चयन करना है आपके लिए, कृष्णा सोभती, सूरजमुखी, अंधेरे के,
रविंद्र कालिया खुदा सही सलामत है और भीष्म साहिनी गुनाहों का दीप्ता या राजेंद्र यादव उखड़े हुए लोग। संगीता जी उपकार की बुक है उपकार और क्वेश्चन नंबर 118 है और 118 का सही राइट आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है राखी जी, कौन सा युग्म असंगत है, असंगत पूछा गया है तो विकल्प नंबर आपका 18 में जो दिया गया है यहाँ पर सी वह सही राइट आंसर है, भीष्म साहिनी गुनाहों का दीप्ता, बिल्कुल सही असंगत, क्योंकि गुनाहों का दीप्ता जो है इसके लेखक कौन माने जाते हैं, धर्मवीर भारती, इन्हीं का जो है उपन्यास माना जाता है गुनाहों का दीप्ता, असंगत है ए, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 119 पूछा गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1993 ईस्वी का किसे प्राप्त हुआ था या किसे दिया गया था, बताइए, चयन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, 19वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर दो विकल्प दिए गए हैं और दो विकल्प आपके यहाँ पर भी दिए गए हैं, वह विकल्प आप यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर दो विकल्प आपके ए हैं, ए तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और 1993 का बताना है, 1993 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था वह किसे दिया गया, तो आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर 19 में विकल्प नंबर डी, विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर के लिए, विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर के लिए, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, इन्हीं के लिए 1993 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर भी आपको असंगत युग्म बताना है, कौन सा युग्म असंगत है बताइएगा, 120 में आपके लिए चयन करना है, प्रभा केतन, अलमा कबूतरी, शिवानी कृष्णा, कृष्ण कली, मन्नू भंडारी को आपका बंटी या फिर ममता कालिया को दुखम सुखम के लिए, बताइए, चयन कीजिएगा। 20वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा युग्म असंगत है और असंगत में आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है कि प्रभा केतन, अलमा कबूतरी, ये जो है कैसा है असंगत है, क्योंकि अलमा कबूतरी जो है, अलमा कबूतरी मैत्री पुष्पा जी का उपन्यास है ना कि प्रभा केतन का, तो बिल्कुल विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है कि असंगत है तो बिल्कुल सही राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 21वां क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम आपके लिए चयन करना है, इन तीनों विकल्पों में से बताना है, देखिए ये रहे आपके चारों विकल्प, प्रकाशन काल की दृष्टि से बताना है कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर 121वां क्वेश्चन है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 21 में आप सभी का भी राइट आंसर है, मछली मरी हुई 1966 इसका प्रकाशन है, एक चूहे की मौत 1971 इसका प्रकाशन है, तमस 1973 और लालटीन की छत 1974 इसका प्रकाशन माना जाता है, तो ये अनुक्रम आपका कैसा है सही राइट आंसर होगा प्रकाशन काल की दृष्टि से। यहाँ पर भी आपको सही अनुक्रम बताना है, प्रकाशन काल के अनुसार बताइएगा कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही आंसर होगा 122 में, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, और क्या होगा सही राइट आंसर प्रकाशन काल के अनुसार बताना है आपके लिए सही अनुक्रम सेनी जी, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा 122 में, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि नीला चांद 1988 इसका प्रकाशन है, ढाई घर 1991 इसका प्रकाशन है, अर्धनारीश्वर 1992 और मुझे चांद चाहिए 1993, ये जो है आपका सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर विकल्प नंबर सी लवली जी सही आंसर चयन किया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, सुरेंद्र वर्मा को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1996 ईस्वी प्राप्त हुआ था, बताइए, वह आपके लिए उपन्यास बताने कौन सा वह उपन्यास है, दो मर्दों के लिए गुलदस्ता या फिर मुझे चांद चाहिए या फिर अंधेरे से परे या फिर इनमें से कोई नहीं, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मुसाफिर जी, अरुण जी, बिल्कुल
तो 123वां क्वेश्चन है और 123 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1996 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इसी उपन्यास के लिए दिया गया है। दिनेश जी अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्षों पर केंद्रित उपन्यास कौन सा है, पहला ग्रिमिटिया, चिड़ियाघर, जुगलबंदी या फिर परिशिष्ट, बताइए। तो आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 124 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा पहला ग्रिमिटिया। इसके लेखक भी आपको कमेंट में बताना है, इसके लेखक कौन माने जाते हैं, पहला ग्रिमिटिया। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्षों पर केंद्रित उपन्यास माना जाता है पहला ग्रिमिटिया। क्वेश्चन नंबर 125 आपसे पूछा गया, गिरिराज किशोर को किस उपन्यास के लिए ब्यास सम्मान 2000 प्राप्त हुआ, 2000 का ब्यास सम्मान प्राप्त हुआ था साधना जी, किस उपन्यास के लिए, आपके लिए बताने, इंद्र सुने, पहला ग्रिमिटिया, अंतर्ध्वंस या फिर यातना घर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का 25वां क्वेश्चन है और गिरिराज किशोर बिल्कुल सही राइट आंसर है, गिरिराज किशोर का माना जाता है पहला ग्रिमिटिया उपन्यास, और पहला ग्रिमिटिया उपन्यास के लिए जो है ब्यास सम्मान दिया गया था, 2000 का जो ब्यास सम्मान था 2000 ईस्वी का, वह गिरिराज किशोर को ही दिया गया था पहला ग्रिमिटिया उपन्यास के लिए। तो विकल्प नंबर बी आप सभी का आनंद जी यहां पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नरेश मेहता का वह उपन्यास जिसमें मातृहीन बालक उदयन के मानसिक विकास का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है, वह उपन्यास आपके लिए बताना, डूबते मस्तूल है या फिर उत्तर कथा है, धूमकेतु एक सुरती है या फिर नदी यशस्वी है, बताइए। रीमा जी क्या होगा सही राइट आंसर, निशा जी चयन कीजिएगा, चार विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर 126 में विकल्प नंबर सी धूमकेतु एक सुरती आप सभी का सही राइट आंसर है, सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, एक आदर्शवादी संस्कार संपन्न दंपत्ति के जीवन संघर्षों को चित्रित करने वाला उपन्यास कौन सा है, बताइएगा। सभी लोग चयन कीजिएगा, चार विकल्प आपके दिए गए हैं, प्रथम फाल्गुन, डूबते मस्तूल, दो एकांत या फिर अपथबंधु था। लाइक अवश्य कर लेंगे रौली जी, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लें। एक आदर्शवादी संस्कार संपन्न दंपत्ति के जीवन संघर्षों को चित्रित करने वाला उपन्यास जो है अपथबंधुता नरेश कैसे बन गया, अपथबंधुता नरेश कैसे बन गया, तो नरेश मेहता जी का ये उपन्यास माना जाता है अपथबंधु था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 128 आपसे पूछा गया है कि माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है, 128 में आपके लिए चयन करना है, सूरज का सातवां घोड़ा, खुदा सही सलामत है या फिर दिलोदानिस या 11 सपनों का देश, 28वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है, माणिक मुल्ला के उपन्यास का पात्र माना जाता है, विकल्प नंबर एक आप सभी का सही आंसर होगा, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा ए जो है विकल्प नंबर एक आप सभी का सही राइट आंसर, इसी के पात्र माने जाते हैं माणिक मुल्ला। वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका है, वर्षा वशिष्ठ पूछ लिया गया आपसे क्वेश्चन नंबर 129 में आप सभी का सही राइट आंसर है, सारा आकाश, मुझे चांद चाहिए, अंधेरे बंद कमरे या पहला पड़ाव, 129 का सही राइट आंसर बताना है, तनु जी सही राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, ये जो है इन्हीं की रचना मानी जाती है जिसमें वर्षा वशिष्ठ इस रचना की नायिका मानी जाती है, विकल्प नंबर नीतू जी बी वाला जो है सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। किस उपन्यास के लिए अलका सरावगी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2001 मिला था, बताइए, 2001 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह अलका सरावगी को दिया गया था,
किस उपन्यास के लिए दिया गया था ये आपको बताना है, कोई बात नहीं। डूबते मस्तूल, कलिकथा बाया बाईपास या फिर उत्तर कथा। 130वां क्वेश्चन है और 130 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, कलिकथा बाया बाईपास। कलिकथा बाया बाईपास आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी। जिन्होंने भी चयन किया है, सभी लोगों ने रीता देवी जी बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है, भारत विभाजन की त्रासदी का उपन्यास कौन सा है? विपात्र है, जिंदगी नामा, राग दरबारी या फिर तमस है। 131 में चयन कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। और कल्पना जी आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर, भारत विभाजन की त्रासदी का जो उपन्यास माना जाता है वह कौन सा माना जाता है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है आप लोगों ने तमस। तमस आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, भीष्म साहिनी जी का ये उपन्यास है। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। किस कवि ने उपन्यास लिखा है बताइएगा, वह कवि आपको चयन करना है। युद्ध समाध्याय हरिवन है, मैथिली शरण गुप्त है या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है या माखन लाल चतुर्वेदी है। चयन कीजिएगा क्या होगा सही राइट आंसर, बताइए वह कभी आपको बताना जिन्होंने उपन्यास लिखे हैं। 132वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है हरिओध ने, अयोध्या उपाध्याय हरिओध आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1। जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया 33वां क्वेश्चन है, किस उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 द्वारा सम्मानित किया गया था? तो 2003 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह कमलेश्वर को दिया गया था। किस उपन्यास के लिए, डाक बंगला या फिर कितने पाकिस्तान या फिर काली आंधी या फिर एक सड़क 57 गलियां, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 133 आपसे पूछा गया है और 133 में कितने पाकिस्तान आपका सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी जो है वह सही राइट आंसर होगा। कितने पाकिस्तान जिन्होंने चयन किया है वह आप सभी का सही राइट आंसर है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 2003 का कितने पाकिस्तान के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास दलित जीवन पर केंद्रित है? यातनागर है, अपना मोर्चा, परिशिष्ट या फिर अंतर्ध्वंस, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134 आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सा उपन्यास दलित जीवन पर केंद्रित है और 134 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है। क्या रहा है राइट आंसर, विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसरों का परिशिष्ट, परिशिष्ट आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। जिन्होंने भी चयन किया है सिन्नी जी उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में व्याख्यात है कौन, व्याख्यात है बताइए, जैनेन्द्र कुमार, रंगी राघव, अज्ञे या फिर वृंदावन लाल वर्मा, पूजा गौर जी क्या होगा सही राइट आंसर। अंश जी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में कौन व्याख्यात है और 35 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा वृंदावन लाल वर्मा, आप सभी का सही राइट आंसर है बिल्कुल सही। कमलकांत जी वृंदावन लाल वर्मा जी जो है एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है, व्याख्यात है, विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर होगा। 136वां क्वेश्चन पूछा गया है, यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी से संबंधित उपन्यास कौन सा है बताइए, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, मनुष्य के रूप या फिर दिव्या, क्या होगा सही राइट आंसर। चयन कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और झूठा सच जिन्होंने विकल्प नंबर ए चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा बिल्कुल सही, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कुमारगिरी किस उपन्यास का पात्र है, कुमारगिरी बताना है बताइए। 137वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 137 में आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर, पूजा पांडे जी बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुमारगिरी
किस उपन्यास का पात्र है? और हाँ नीतू जी, तो आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा यहाँ पर अरुण जी, जो है गाड़ी वाला आया है, कचड़ा निकाल, वही कचड़ा वाली गाड़ी आई है, तो उसी की आवाज आ रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 137 आपसे पूछा गया है, कुमारगिरी किस उपन्यास का पात्र है? तो आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है चित्रलेखा। विकल्प नंबर जिन्होंने भी डी चयन किया है चित्रलेखा, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 4, आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 138वां क्वेश्चन है, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? बताइएगा 138 में क्या होगा सही राइट आंसर। चयन कीजिएगा, चार विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? दीर्घ तपा जुलूस मेला अचल धरती धन अपना, तो आप सभी का बिल्कुल सही 138 में विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह सही राइट आंसर है। मेला आंचल आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है, मेला आंचल हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है ज्योति जी फणीश्वरनाथ रेणु जी का, जो की एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं रेणु जी। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005 किसे दिया गया था? बताइए 2005 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था वह किसे दिया गया? चयन कीजिएगा, चार विकल्प आपके दिए गए हैं, और बदी उज्जमा, एक चूहे की मौत, मन्नू भंडारी आपका बंटी, या फिर अगला विकल्प आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये रहा आपका अगला विकल्प, विभूति नारायण राय शहर में कर्फ्यू, मनोहर श्याम जोशी क्या, तो क्या होगा सही राइट आंसर? दीपक जी क्या होगा सही राइट आंसर चयन करना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, 139वां क्वेश्चन है, और आप सभी का सही राइट आंसर है मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी जो है उन्हीं को जो है क्या उपन्यास के लिए दिया गया था ये पुरस्कार, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 140 पूछा गया है, असंगत युग में बताना है कौन सा होगा असंगत युग में? चयन कीजिएगा मुनीश जी, बाकी सब खैरियत है मृदुला गर्ग, आओ पे पे घर चले प्रभा खेतान, रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियंवदा, बेघर ममता कालिया, असंगत युग में बताना है। 40वां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, और 40 में आप सभी का सही राइट आंसर है कि बाकी सब खैरियत है मृदुला गर्ग जी की रचना नहीं मानी जाती है, ये रचना मानी जाती किनकी? बाकी सब खैरियत है ये मानी जाती किनकी? चंद्रकांता की। चंद्रकांता जी का उपन्यास माना जाता है, बिल्कुल सही विकल्प नंबर एक आप सभी का यहां पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहां पर 141 पूछा गया है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए का 141वां क्वेश्चन है, चलिए सम्मिलित कर देते हैं यहां पर। देखिए ये आपकी सूची एक सूची दो यहां पर दी गई है, कोट यहां पर दिए गए हैं, चलिए यहाँ पर सम्मिलित करना है अर्थांतर, आपको यहाँ पर जो है सही राइट आंसर बताना है अर्थांतर, अर्थांतर के कौन हो जाएंगे? तो अर्थांतर के हो जाएंगे कौन? तो बिल्कुल सही, अर्थांतर के चंद्रकांता हो जाएंगे इस प्रकार यहाँ पर, और जिंदा मुहावरे के कौन हो जाएंगे? जिंदा मुहावरे नासिरा शर्मा, जिंदा मुहावरों का कोई सिरा नहीं है, और इदन मम इसके कौन हो जाएंगे? ये माना जाता है किनका? तो आप सभी का सही राइट आंसर है मैत्रेय पुष्पा, और खुले गगन के सितारे, खुले गगन के सितारे के मधु कांकरिया, इस प्रकार यहाँ पर जो है सम्मिलित किए गए हैं, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर क्या पूछा गया है, कोड में आपका बात करें 141 में विकल्प नंबर बी राइट आंसर, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम आपके लिए चयन करना है, कौन सा अनुक्रम? अनीता जी और नीतू जी, अरुण जी, कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही राइट आंसर होगा? लाइक अवश्य करते जाइएगा, बहुत ही कम लोग लाइक कर रहे हैं, क्या बात है, जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर देंगे। और क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 142 है, और
142 में जिंदगी नामा आपका सही राइट आंसर विकल्प नंबर सी। जिंदगी नामा जो है इसका प्रकाशन 1979 माना जाता है जिंदगी नामा का, और छिन्न मस्ता का माना जाता है 1993 प्रकाशन, आवा का 1999 और कथा सती सर का 2001 इसका प्रकाशन माना जाता है। तो ये प्रकाशन काल की दृष्टि से विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2007 ईस्वी किसे मिला, तो 2007 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है भाई किसे मिला, रविंद्र कालिया को खुदा सही सलामत है के लिए, मन्नु भंडारी को महाभोज के लिए, चंद्रकांता को बाकी सब खैरियत है के लिए, अमरकांत को इन्हीं हथियारों से के लिए, बताइए। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2007 का जो पुरस्कार था ये किसे मिला, ये पूछा गया है आपसे। 143वां क्वेश्चन है और विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, इन्हीं हथियारों से अमरकांत, इन्हीं हथियारों से अमरकांत जी को 2007 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए। विकल्प नंबर डी जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर चार जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, किस उपन्यास में भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 से लेकर देश के स्वतंत्र होने यानी कि 15 अगस्त 1947 तक बलिया का सामाजिक यथार्थ चित्रित किया गया है, किस उपन्यास में, इन्हीं हथियारों से, आकाश पक्षी, काले उजले दिन या सूखा पत्ता। चयन कीजिएगा क्या होगा सही राइट आंसर। डॉक्टर नीता जी चयन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है शिल्पा जी, और 144 में आप सभी का सही आंसर है इन्हीं हथियारों से। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है इन्हीं हथियारों से उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, आप लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। विकल्प नंबर ये जिन्होंने भी बताया है उनका सही आंसर होगा, किस उपन्यास का नायक बलिया जनपद है, वह उपन्यास आपके लिए बताने बीच की दीवार या फिर इन्हीं हथियारों से, खुदीराम या फिर सुंदर पांडे की पतोहू। 145 में आपको चयन करना है सही राइट आंसर क्या होगा। हाँ मुनेश जी, तो 145 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा, इन्हीं हथियारों से ए उपन्यास जो है इसी की नायक जो है बलिया जनपद है नायक। तो विकल्प नंबर आपका बी वाला जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही रजनी जी, तनु जी, लवली जी, विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर है। फैंटेसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास कौन सा है, फैंटेसी शैली में, तो बताइएगा, तमस है, सूरजमुखी अंधेरे में, एक चूहे की मौत या प्रेम की भूत कथा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही राइट आंसर यहां पर क्या होगा, 146 में, 140वां क्वेश्चन है, विकल्प नंबर आप सभी का जो सी है वह सही राइट आंसर होगा, एक चूहे की मौत, एक चूहे की मौत आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। ये जो है आपका फैंटेसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास माना जाता है, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर होगा। नीतू जी बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है अमरकांत को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2009 से सम्मानित किया गया था, वह उपन्यास आपके लिए बताने बीच की दीवार, काले उजले दिन, सूखा पत्ता या इन्हीं हथियारों से। चयन कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, 147वां क्वेश्चन है छवि शंकर जी की, अमरकांत को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2009 से सम्मानित किया गया, तो 147 में इन्हीं हथियारों से विकल्प नंबर आप सभी का सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर चार आप सभी का सही आंसर होगा। अमरकांत को किस उपन्यास में अमरकांत के किस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज के अंतर विरोध की ओर संकेत किया गया है, बताइएगा। 148 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, आकाश पक्षी, ग्राम सेविका या फिर बीच की दीवार या फिर खुदीराम, क्या होगा सही राइट आंसर। अमरकांत के किस उपन्यास में
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज के अंतर्विरोध को संकेत किया गया है। अमरकांत जी का वह उपन्यास कौन सा है? आकाश पक्षी। आकाश पक्षी आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 पूछा गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2008 से किसे सम्मानित किया गया, बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर। भैरव प्रसाद को सती मैया का चूरा के लिए, गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग के लिए, या फिर राजेंद्र यादव को सारा आकाश के लिए, या फिर यहाँ पर मन्नू भंडारी को महाभोज के लिए। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2008 का बताना है, 2008 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था वह किसे दिया गया। 49वां क्वेश्चन है, गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग के लिए। विकल्प नंबर आपका जो बी है भाई आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया चेन्नी जी। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहां पर 50 पूछा गया, यानी कि 150वां क्वेश्चन की यहाँ पर दिया गया, पांच आंगनों वाला घर उपन्यास के लिए गोविंद मिश्र को कौन सा उपन्यास या सम्मान मिला है, बताइए। सभी लोग बताएंगे, नेहा जी, अनीता जी, क्या होगा सही राइट आंसर, निशा जी, सीमा देवी जी। पांच आंगनों वाला घर अगर पूछा जाए उपन्यास किनका है, तो गोविंद मिश्र। पांच आंगन जो है मिश्र हो गए, पांच आंगन मिश्र हो गए, पांच आंगनों वाला घर मिश्र हो गया, तो गोविंद मिश्र जी का ये उपन्यास है। और इसके लिए एक सम्मान या पुरस्कार दिया गया था, कौन सा दिया गया था बताइए। और आप सभी का 150 में सही राइट आंसर है सी, यानी कि व्यास सम्मान 1999 आप सभी का सही राइट आंसर है। व्यास सम्मान 1999 का जो दिया गया था वह किसे दिया गया था, तो वह पांच आंगनों वाला घर के लिए गोविंद मिश्र को। विकल्प नंबर आपका सी वाला जो है सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, इस प्रकार के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे आज की क्लास में डॉक्टर नीता जी। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। लाइक सभी लोग कर लिया करें। और हाँ निया जी, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के वीडियो में, बस इतना ही। रोज अपनी ये क्लास होती है 9:00 बजे, तो सभी लोग जुड़िएगा 9:00 बजे। रात्रि में 10 बजे जहाँ पर अपन काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो रात में 10 बजे भी अपन उस क्लास से भी सभी लोग जुड़िएगा। और शाम को 4 बजे स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल जो है उससे भी सभी लोग जुड़िएगा, उस पर भी आपके लिए एक क्लास लाई जाती है शाम को 4 बजे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी, छवि शंकर जी, अंश जी, सिरनी जी, लवली जी, नीतू जी, प्रीति जी और तनु जी और दिनेश जी, रीता देवी जी, ओम प्रकाश, सरोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलकांत जी और दीपक जी, सिरनी जी, मनीष जी और मनीष जी, सीमा देवी जी, निशा जी, पूजा जी, हाँ बिल्कुल, रीमा कुमारी जी, राजीव जी और सभी सारा जी, बिल्कुल, शिल्पा जी, मनीषा, मनसी मिश्रा जी, तनु जी, माला जी, सिन्नी जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। पूजा जी तो लाइक अवश्य कर लें। अरुण जी, ओम प्रकाश जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिल्पा जी, छवि जी और निशा जी, कल्पना जी, सिरनी जी, संगीता जी, रीमा जी, अरुण जी, मनीष जी और अनीता जी, पूनम जी, नीता जी, रजनी बाला जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी और आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग लाइक शेयर करिएगा और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।